इस वीडियो में मांगे बताएंगे पंचायत सचिव भर्ती से जुड़ी हुई 10 ऐसी बातें जिनके जाने बगैर अगर आप आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सभी 10 बातों को अच्छी तरीके से समझना, इसके बाद ही आप पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन करना। तो वीडियो शुरू करते हैं और 10 ऐसी बातें समझते हैं जो पंचायत सचिव भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के आवेदन केवल विभाग के पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवा किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के आवेदन के लिए आवेदक को उस जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है और निर्वाचन आयोग से संबंधित मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 3, ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता कुल योग के आधार पर अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ण सूची के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। नंबर 4, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवर्ण सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत की सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस के भीतर इसकी आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। नंबर 5, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 6, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नंबर 7, मध्य प्रदेश सचिव भर्ती 2023 में रिक्त पदों में 50% पद ग्राम रोजगार सहायकों के लिए दिए जाएंगे। यह बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। ग्राम रोजगार सहायक अगर इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। नंबर 8, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2023 में प्रवर्ण सूची रिक्त पदों की संख्या 25%, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। नंबर 9, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती की रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रहेगी जो कि पंचायत विभाग द्वारा ऑनलाइन संचालन की जाएगी। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की जो भर्ती निकली है उसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप 18 से 45 वर्ष की आयु के मध्य हैं तो इस पद के लिए जरूर आवेदन करें। ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वह शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। पंचायत सचिव भर्ती से रिलेटेड एवं इस प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अगर आप इच्छुक हैं, आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, साथ ही इसी प्रकार की आवश्यक सूचनाओं हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।